wanted to get it right. Trying to find some balance in my life. I never really put up a fight. And now I'm losing sleep. What if I lost touch? What if I'll never get it right? I try to follow my heart, but I lost it somehow. Welcome to Simply Lakshmi's Life. Hey guys, welcome back to the channel. तो बताइए कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि मेरे सारे फ्रेंड बहुत 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 अच्छे हैं. सो यहाँ पे मैं बैठी हूँ, आप लोगों ने शायद नोटिस कर लिया होगा कि यहाँ पे बहुत ही बड़ा एक मेजर चेंज है. जी हाँ, यहाँ पे कॉर्नर पे मेरा मंदिर था घर का, सो वो कहाँ पे गया? सो वो हम लोगों ने फिर से अपनी जगह पे रखी है. इसके बारे में मैं थोड़ा बहुत बताना चाहूंगी. एक्चुअली ये जगह ना हम लोगों ने पहले सिलेक्ट किया था कि यहाँ पे हम लोग मंदिर को रखेंगे. एंड देन मैंने सोच के रखा था कि कुछ दिन रखती हूँ, अगर मुझे ठीक लगे तो उसके बाद ही मैं जो चेंजेस है कृति के रूम का वो करूंगी, क्योंकि वहां पे कृति का स्टडी टेबल मैं लेके आने वाली थी उस कॉर्नर पे. तो मैंने सोचा था वो जगह भी साफ सुथरा ही रहेगा, स्टडी टेबल रहेगा, सरस्वती माता की जो फोटो है वो उधर ही रहेगा, तो मतलब मंदिर की जगह पे ही भगवान की फोटो भी रहेगा और पढ़ाई की जगह होगी तो वो साफ सुथरा जगह ही रहेगा. बट हम लोगों ने जब इस जगह पे मंदिर को लेके आए तो काफी सारे डिस्टर्बेंस मुझे लगा. जैसे कि ये एक हॉल है, यहाँ पे बैठ के मैं जब पूजा करती हूँ, स्पेशली थर्सडे की जो पूजा होती है वो मेरा काफी लंबा चलता है, और उस बीच अगर कोई आ जाता है, कुरियर वगैरह जब आता है तो बहुत ज्यादा डिस्टर्बेंस होता है, तो इसीलिए वो एक डिस्टर्बेंस था. बाकी ना कुछ ठीक नहीं लग रहा था, मतलब अजीब सा लग रहा था, अजीब सा एक फीलिंग है जो शायद मैं आपको बता के समझा नहीं सकती. वो मेरा शायद अपना कुछ फीलिंग्स है कि ये जगह ना थोड़ा सा डार्क है, मतलब हमारा जो लिविंग रूम है वहां पे बाहर की जो लाइट है ना वो नहीं आते हैं, मतलब पूरा दिन मुझे लाइट ऑन करके रखना पड़ता था. मंदिर की लाइट भी कम पड़ रहा था तो मुझे पूरा दिन लाइट ऑन करके रखना पड़ रहा था, तो ये सब फीलिंग के वजह से. और वहां पे जो मेरा पुराना जगह था वहां पे एक विंडो था तो पूरा लाइट मंदिर पे आता था. ये वाला जो हम लोगों ने ग्रिल का एक डोर लगाया है वहां पे भी मतलब बहुत तेज हवा आती थी तो यहाँ पे दिया जलता था, तो मतलब डोर ओपन करके भी हम लोग रख नहीं पा रहे थे. तो बहुत कुछ मेरे दिमाग में चल रहा था. शायद मुझे ये जगह मतलब लग रहा था कि शायद भगवान जी के लिए सही नहीं है, तो इसके लिए मैंने फिर से भगवान जी को अपने जगह पे स्थापन किया है. तो मेरा ये जगह भी पूजा वगैरह सारा कुछ हम लोगों ने करवा लिया है, तो ये जगह भी हमारे मतलब ऐसे कॉर्नर में खाली रखूंगी, ज्यादा कुछ स्टफ मैं यहाँ पे नहीं डालती हूँ. तो चलिए कृति का, हाँ कृति के रूम पे काफी सारे चेंजेस हुए हैं, वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी. तो चलिए कृति के रूम पे चलते हैं. कृति के रूम पे हमारा फर्स्ट प्रायोरिटी था कि कृति की रूम की जो स्पेस है वो थोड़ा ज़्यादा रखूँ, मतलब थोड़ा ओपन स्पेस रहे, तो इसीलिए हम लोगों ने जो बेड था डबल बेड उसको चेंज करके यहाँ पे लगाया है सिंगल बेड. और ये हमने अमेजोन से ऑर्डर किया है, सॉलिड वुड का है, और इसका कलर कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा लगा था हम लोगों को. एक्चुअली हम लोगों को वाइट कलर में चाहिए था, बट ये ना बहुत ही सस्ता पड़ रहा था, 11,000 का लिया है ये बेड. नॉर्मली क्या होता है ना, जो वाइट कलर का होता है उसका प्राइस 23-22 ऐसा पड़ रहा था, बट हम लोगों को जब लगा कि ये वाला जो है इसका कलर बहुत अच्छा है, डिज़ाइन भी काफ़ी अच्छा है और सस्ता भी पड़ रहा है तो यही ले लेते हैं. बाद में हम लोग अगर चाहे तो इसका कलर चेंज कर सकते हैं. पहले तो ये एक दिन ऐसे ही रखा हुआ था. एक्चुअली हम लोगों को लगा था कि ऑनलाइन पे आया है तो इसको फिक्स करने के लिए भी कोई आया मतलब आएगा, तो इसीलिए हम लोगों ने रख दिया था. बाद में हम लोगों को पता चला कि कोई नहीं आने वाले हैं फिक्स करने के लिए, हम लोगों को खुद ही फिक्स करना है. तो ये सिंगल बेड था और स्टोरेज भी नहीं था तो बहुत इजीली हम लोगों ने इसको फिक्स कर लिया था. एक्चुअली मुझे स्टोरेज वाला भी नहीं चाहिए था, मैं नीचे का पोर्शन खाली मतलब ढूंढ रही थी तो इसीलिए. और यहाँ पे हमने लिया है फ्लो का मैट्रेस. ये मैट्रेस ना हम लोगों ने ले तो लिया है लेकिन ये थोड़ा सा छोटा पड़ गया है बेड के हिसाब से, तो हम लोग दो मैट्रेस लेने वाले हैं तो इतना प्रॉब्लम नहीं होगा, छोटा वाला नीचे रख देंगे बड़ा वाला ऊपर. ये ना काफ़ी अच्छा है, पहले भी इसका रिव्यू मैंने शेयर किया हुआ है. मेरा जो डबल बेड था उसमें ये वाला ही मैट्रेस था एंड काफ़ी कंफर्टेबल भी है और स्लीप भी बहुत आरामदायक होता है. Wanted to get it right, trying to find some balance in my life. I never really put up a fight,
और ये जो बुक सेल्फ है ना, ये एक्चुअली उसका स्टोरी बुक सेल्फ है और मैंने दो बुक सेल्फ में बुक्स को रखा था। अभी मैं चाहती हूँ बुक सेल्फ में एक ही रखूँ, तो कुछ कुछ बुक्स मैंने मतलब अलग कर दिया है। कृति ने ही उसको सिलेक्ट करके रखा था, तो वो दूसरी जगह पे हम लोग अलमारी के अंदर डाल देंगे क्योंकि वो अभी कृति नहीं पढ़ती है। और ये वाला जो नीचे का दो सेल्फ था ना, ये ऐसे ही खाली पड़ा हुआ था, तो मैं अभी सोच रही हूँ कि यहाँ पे मैं जो एक्स्ट्रा उसका सामान हो गया है वो सब भी रख दूँ। सो ये एक्चुअली थोड़ा सा ऑर्गेनाइज करके अगर रखूँ ना तो बहुत सारा सामान इसमें आ जाएगा। तो नीचे का जो सेल्फ है वो एकदम से मैंने उसका जो एक्स्ट्रा सामान है वो सब रखने के लिए यूज़ किया है, और बाकी जो ये आप देख रहे हो इसके ऊपर मैं उसके सारे सॉफ्ट टॉयज वगैरह रखती हूँ। कृति ने ना अपने बेड यहाँ पे ना पेंट करने नहीं दिया। मैं ये वाइट कलर में पेंट करना चाहती थी, बट कृति बोल रही है मम्मा इसको ऐसे ही रहने देते। ठीक है, अब बोर हो जाओ उसके बाद मैं चेंज करूँगी। ठीक है, अभी नया नया है ना तो अच्छा लग रहा है ये कलर। ओके, सो ये वाला जो बेड है ना, ये मैंने अभी ईस्ट की साइड रखा है और ये एक लुक है। सो मैं आप लोगों के साथ दो लुक शेयर करूँगी इस रूम का। एक तो ये इस टाइप का जो विंडो के साइड बेड रखने के बाद एक लुक क्रिएट होता है, और बालकनी भी बहुत दिन आप लोगों के साथ शेयर नहीं किया है, सो बालकनी का अलग वीडियो मैं आप लोगों के लिए लेके आऊँगी। अभी तो फ़िलहाल थोड़ा सा एक क्लिप मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। सो चलिए अभी जो दूसरा वाला लुक है वो देख लेते हैं। ओके, सो ये है कृति का रूम। सो काफ़ी सारे चेंजेस हुआ है, आपने देख लिया है पहले ही, जैसे कि मैंने बेड को चेंज किया है। लास्ट टाइम मैंने जब कृति का रूम का मेकओवर दिया था तो आप में से बहुत सारे फ्रेंड ने बोला था कि रूम बहुत ज़्यादा फर्नीचर से भर गया है, ज़्यादा भरा भरा लग रहा है। तो अभी कैसा लग रहा है देख लीजिए। मैंने बहुत कोशिश किया जितना हो सका खाली करने का, क्योंकि मुझे भी ये रूम ज़्यादा भरा भरा अच्छा नहीं लगता है। सो इसीलिए सबसे पहले जो चीज़ हमने किया है, बेड को चेंज किया है। ये वाला जो डबल बेड था वो हमने रख लिया है किसी और जगह पे, और ये वाला कृति के रूम पे हम लोगों ने सिंगल बेड ऑर्डर किया है। और इसके साथ ना अभी तो फिलहाल ये सिंगल मैट्रेस है, बट हम लोग यहाँ पे डबल मैट्रेस लगाने वाले हैं क्योंकि हमारे घर में कोई अगर आएगा तो उसके लिए भी चाहिए, तो इसीलिए इसके ऊपर हम लोग डबल मैट्रेस लगाएंगे, तो मतलब कोई आने के लिए इंतजाम करके रखेंगे। और ये वाला जो बेड है ना, इसका कलर मैं व्हाइट करना चाहती थी क्योंकि जो व्हाइट कलर का बेड है ना उसका प्राइस थोड़ा ज़्यादा बढ़ रहा था, तो इसीलिए मैंने ये कलर चूज़ किया है क्योंकि ये सॉलिड वुड का है और साथ में ये अच्छा क्वालिटी का है, तो मैंने सोचा था ये लेके आऊँगी उसके बाद व्हाइट कलर में कलर कर दूंगी। बट कृति को बिल्कुल पसंद नहीं है, तो उसने बोला है मम्मा इसको आप पेंट मत कीजिए, तो मैंने ये कलर अभी तो फिलहाल के लिए छोड़ के रखा है ताकि वो थोड़ा बोर हो जाए, उसके बाद मैं इसका कलर चेंज कर दूँ। क्योंकि अभी नया नया है ना तो वो मना कर रही है, बाद में वो कुछ नहीं बोलेगी मुझे पता है, क्योंकि ये व्हाइट कलर ही ज़्यादा अच्छा लगेगा क्योंकि रूम का जो थोड़ा बहुत मतलब फर्नीचर है ना वो सारा व्हाइट कलर में ही है, तो इसीलिए मैं इसको व्हाइट कलर में करना चाहती हूँ। और ये थोड़ा डार्क कलर में है तो लाइट कलर का जो मतलब रग वगैरह पिलो कवर सब अच्छा लग रहा है डार्क कलर के साथ। मंदिर का वो जो नीचे का पोर्शन है ना वो भी मुझे पेंट करना है, पूरा व्हाइट करना है, तो छोटा मोटा काम जो है अभी भी बाकी है। और कुछ मेजर चेंजेस मैंने ज़्यादा कुछ नहीं किया है, जस्ट मैंने कर्टन को चेंज कर दिया है और वो जगह पूरा खाली रखा है। और ये पोर्शन आप देख सकते हो कि यहाँ पे ना बहुत सारी स्पेस है, तो यहाँ पे मैं आराम से पूजा कर सकती हूँ। क्योंकि पहले क्या होता था ना, यहाँ पे बहुत कम जगह था, जो डबल बेड था ना तो इतना तक आता था, तो मुझे ये जगह बहुत ही कम मिलता था यूज़ करने के लिए।
और मुझे लगता है कि मंदिर का सामने का पोर्शन थोड़ा खाली खाली रहे तो ज्यादा अच्छा है, तो इसीलिए मैंने ये जगह पूरा खाली रखा है, कुछ भी नहीं रखा है यहाँ पे। मैं कुछ भी रखने भी नहीं वाली हूँ, क्योंकि जब भी कुछ पूजा वगैरह होता है तो मैं यहाँ पे रख के पूजा करने वाली हूँ, तो इस रूम को ऐसे ही खाली रखूंगी। जस्ट यहाँ पे कृति का पियानो है, और ये जो टूल है जो हम लोग होम सेंटर से लेके आए थे, ये मैंने यहाँ पे एक रख दिया है, क्योंकि उसकी पियानो के लिए हेल्प हो जाएगा। जब भी वो यहाँ पे प्ले करेगी पियानो, तो यहाँ पे बैठ के वो करेगी। और यहाँ पे सारे उसके हाथ के ड्राइंग्स है, सो ये मैंने हटाया नहीं है, ये एक्चुअली और भी ज्यादा ऐड होगा। तो हम लोगों का नेक्स्ट प्लान है कि ये जो पूरा वॉल है ना, उसके और भी ज्यादा मतलब ड्राइंग देके मैं ये पूरा वॉल को फिल कर दूँ। यही ऐसा ही कुछ प्लानिंग है अभी तक, तो अभी तो फिलहाल ये नहीं किया है, सो बाद में करूंगी ये वाला। और बाकी पीछे का जो ये वॉल है, ये हम लोगों ने ज्यादा कुछ चेंजेस नहीं किया है, जैसा था वैसा ही है। आप देख सकते हो यहाँ पे कुछ भी चेंजेस नहीं हुआ है, बट ये जो स्पेस है ना, ये पहले जैसा ही है, मतलब पहले जितना था उतना ही है, क्योंकि यहाँ पे ना मैंने ज्यादा स्पेस नहीं रखा है। तो ये चेयर रखने की जगह काफी है, और यहाँ पे बैठ के मैं अतनु कृति को थोड़ा बहुत स्टडी पे हेल्प करते रहते हैं, तो यहाँ पे बैठ के हो जाता है। तो इसीलिए ना टेबल के साइड में बेड बहुत जरूरी हो गया था, पहले जैसे हम लोगों ने उस साइड में रखा था, तो काफी ये जगह खाली खाली सा लग रहा था। और ये वाला जो सेल्फ है ना, ये काफ़ी ज़्यादा यूटिलाइज होता है, बहुत बड़ा भी है, बहुत सारा सामान आ जाता है। छोटा मोटा कृति का DIY भी मैंने यहाँ पे रख दिया है, वो खुश हो जाएगी। और ये जो कॉर्नर है ना डोर के पीछे वाला, इसमें मेरा काफ़ी सारा सामान आ जाता है, आप देख सकते हो बहुत ज़्यादा ही स्पेस है यहाँ पे। तो ये था मेरा आज का व्लॉग, आज का कृति का रूम ऑर्गेनाइजेशन आप लोगों को कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, और थोड़ा सा भी अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिए। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड बी सेफ।